के उपरांत स्वामी जी ने भुवनेश्वर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए 9 अगस्त को होने वाले राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रणनीति की व्यापक चर्चा की। पूरे देश भर में 9 अगस्त के ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन के लिए तैयारी चल रही है। ऐतिहासिक और निर्णायक आंदोलन में इस अर्थ में उसको कह रहा हूं कि हमने अपने अंतरात्मा की आवाज, अपने भीतर की प्रेरणा और ईश्वरीय आज्ञा को सिरोधार्य करके ये निर्णय किया है कि इस बार अब 9 अगस्त का जो आंदोलन होगा उसमें अब काले धन के बारे में, मजबूत लोकपाल के बारे में, भ्रष्टाचार के बारे में अब एक ऐतिहासिक निर्णायक भूमिका की ओर ही आंदोलन जा रहा है। और जब तक काला धन को प्रामाणिकता से वापस लाने का इंतजाम नहीं हो जाएगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत लोकपाल कानून नहीं बन जाएगा, तब तक यह आंदोलन चलता रहेगा। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले लगभग 1.5 वर्ष से देश के करोड़ों लोगों के भीतर एक आशा है, एक उम्मीद है, एक विश्वास है, एक अपेक्षा है। और उस आशा को, उस उम्मीद को, उस विश्वास को यदि हमने पूरा नहीं किया तो इस देश में फिर से एक निराशा छा जाएगी। इसलिए अब 9 अगस्त के आंदोलन को लेकर के 4 काम तो सब कार्यकर्ताओं को करने हैं। एक तो ये कि गांव-गांव में जाकर के ग्राम आंदोलन समितियों का गठन करना है, जैसे जयप्रकाश नारायण जी के समय संघर्ष समितियों का गठन किया गया था हर एक गांव में, हर एक गली में, हर एक मोहल्ला। ऐसे हमें बड़े शहरों में एक एक वार्ड में, एक एक कॉलोनी में, एक एक तहसील में, एक एक कस्बे में और एक एक गांव में आंदोलन समितियों का निर्माण। और आंदोलन समितियों का निर्माण करके ग्राम आंदोलन समितियों से, ग्राम सभाओं से एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेने, काला धन को वापस लाने वाली 7 प्रक्रियाएं, भ्रष्टाचार को मिटाने के 3 उपाय और व्यवस्था परिवर्तन के 6 मुद्दों पर करीब 2.5 लाख हमारी गांव पंचायतें हैं और उसका एक प्रारूप सबको दिया गया है। भ्रष्टाचार को मिटाने के 3 उपाय, काला धन वापस लाने की 7 प्रक्रियाएं और व्यवस्था परिवर्तन के 6 मुद्दों पर उनकी सहमति ले रहे हैं। उनके साथ में एक आप और पत्रक लेकर के जाएंगे, जो पत्रक पहले भी सबको दिया गया है और उसका नया फॉर्मेट भी सबको भेज दिया गया है ईमेल के माध्यम से। और ये एक एक जिले में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सबको प्रकाशित भी कराना है, जिससे कि सबको पता लगे कि 9 अगस्त के आंदोलन के मुद्दे क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है। तो ये पूरा का पूरा एक 9 अगस्त के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की संक्षिप्त रूपरेखा ये सभी जिला समितियों को ईमेल कर दिया गया है और सबको इसके लिए प्रकाशन के लिए भी संसाधन भी उपलब्ध करवा दिए गए हैं। ये एक फॉर्मेट की मैंने बात की। और ये ग्राम सभाओं से अनुमति पत्र, एक सहमति पत्र जिसके ऊपर ग्राम सभाओं के आपको हस्ताक्षर लेने और सबको ये बताना है कि काला धन कैसे एफडीआई के माध्यम से आ रहा है, कैसे देश के अंदर जमा है, बाहर जमा है, इसके स्रोत क्या क्या हैं और इसके वापस मिलने से ये जो शाइनिंग इंडिया और बर्निंग इंडिया का, एक तरफ अमीर भारत दूसरी तरफ ये गरीब भारत का जो भेद है वो कैसे खत्म होगा। और ये 2,39,887 ग्राम पंचायतें पूरे हिंदुस्तान भर में, सभी ग्राम पंचायतों से सहमति पत्र लेकर के जाएंगे। और ये सब सहमति पत्र जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी तैयार करें, फिर प्रधानमंत्री को देंगे। ये
2,39,867 ग्राम पंचायतों का मतलब होगा कि देश के 121 करोड़ लोग चाहते हैं कि काला धन मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए। अब ये अंग्रेजों के वक्त से आई हुई ये अंग्रेजी व्यवस्था, ये ब्रिटिश रूल, ये काले कानून देश में खत्म होने चाहिए। तो ये सबको लेकर के इसका एक बड़ा लोकतांत्रिक अर्थ भी होगा, उसके बारे में हम थोड़ा आपको प्रकाश डालेंगे। तो एक काम तो सब कार्यकर्ताओं को ये करना है कि ग्राम आंदोलन समितियों का गठन करना है और उससे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेने, जिससे कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके, उसको घेरा जा सके। और जब सरकार के ऊपर चारों तरफ से दबाव आएगा तो जो हम सरकार से कह रहे हैं वो उसको करना पड़ेगा, यही लोकतंत्र का मतलब होता है। तो एक तो ग्राम समितियों का गठन करना, फिर वहां की जो है, क्योंकि ग्राम सभाएं सब गांव में, ग्राम पंचायत होती है, ग्राम सभाएं मैंने कहा दो तीन बड़े गांव के बीच में या किसी बड़े गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, उसके सहमति पत्र पर हस्ताक्षर लेना। फिर उस गांव से, हर एक गांव से, क्योंकि ये गांव की लड़ाई, ये कालाधन वापस आने से यदि ग्राम पंचायत की दृष्टि से बोले तो करीब 200 करोड़, और एक एक गांव की दृष्टि से बोले तो करीब, बड़े गांव इस देश के अंदर 4 लाख के करीब है, जो टोटल मिला के 6,38,365 गांव। तो एक एक गांव को 100 करोड़, एक एक ग्राम पंचायत को औसत करीब 200 करोड़ रुपए मिलेगी। ये इतना बड़ा आंदोलन है और उससे गांव में खुशहाली आएगी, गांव की तरक्की होगी, गांव का विकास होगा, इतना बड़ा मुद्दा उसको समझाना है। खैर, तो गांव के लोगों की इसमें भागीदारी होनी चाहिए। तो हर एक गांव से 9 अगस्त के दिल्ली के आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करना है और उनके तैयार करके फिर उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कराना। सब लोग इसमें अपनी भागीदारी निभाएंगे। देश की आजादी के बाद यह सबसे बड़ा आंदोलन होगा जिसमें पूरे हिंदुस्तान की भागीदारी होगी। पहले आंदोलन के लिए करीब 7 लाख से ज्यादा लोगों ने, एक एक गांव से करीब औसत एक एक व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था, तब जाकर के देश आजाद हुआ था और करीब 100 साल तक वो संघर्ष चला था। अब कम से कम जब पहले आजादी के लिए 100 साल संघर्ष करना पड़ा तो हमको 2 साल तो लगेंगे, लेकिन 2 साल लगे चाहे पूरा जीवन लग जाए, लेकिन हम काला धन लेकर के रहेंगे, भ्रष्टाचार मिटा करके रहेंगे, इस देश को बचाएंगे। तो ये बड़ा काम है। तो दिल्ली के आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करना और उनका रिजर्वेशन भी कराना, असंगठित रूप से, कहीं कहीं 20, कहीं 25, कहीं 50, किसी अलग अलग को किस ट्रेन से आ रहा है, कोई किस ट्रेन से आ रहा है, तो 8, 9, 10 तारीख को सब दिल्ली की ओर आएगी और पूरे देश भर से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की भागीदारी होगी 9 अगस्त के कार्यक्रम में। तो इसमें दिल्ली में पहला काम ग्राम समितियों का गठन और उनके ग्राम सभाओं के हस्ताक्षर, दूसरा काम दिल्ली में जो आंदोलन में भाग लेंगे 9 अगस्त के आंदोलन में उसके लिए लोगों को तैयार करना और उनका आरक्षण रिजर्वेशन कराना, उनके साथ में निरंतर संपर्क रखना, संगठन के लिए बहुत जरूरी होता है निरंतर संपर्क रखना, उनको आंदोलन के बारे में बताना और आंदोलन से इस देश को क्या उपलब्ध होगा इसके बारे में पूरी जानकारी देना, दूसरा काम आपको बताया। अब तीसरा काम, लोगों को तैयार कर दिया, ग्राम समितियां भी बना दी, 9 अगस्त को लाखों करोड़ों लोग भी तैयार हो गए दिल्ली आने के लिए, उनको प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी होता है। संगठन के 4 काम होते हैं। एक, पहले लोगों को तैयार करना किसी बड़े आंदोलन के लिए, बड़े मकसद के लिए, जनमत तैयार करना, लोगों के भीतर एक भावना तैयार करना, एक विचार के लोगों को एक मंच पर लाना। तो संगठन का एक काम हुआ संगठन का निर्माण, एक विचारधारा के एक लक्ष्य के लिए काम करने वाले लोगों को एक छत के नीचे लाना, संगठन का निर्माण। दूसरा जो बड़ा काम होता है फिर प्रशिक्षण का काम, संगठन का दूसरा बड़ा काम होता है, क्योंकि पूरी दुनिया जो चल रही है ये संगठित रूप से चल रही है, जो लूटने वाले हैं वो भी संगठित होकर के लूट रहे हैं, 2 तरह के लुटेरे हैं पूरी दुनिया में, एक बैंक और बैंकर्स और दूसरा मेगा कैपिटलिस्ट, विशाल ताकतवर पूंजीपति, तानाशाही लोग। उसके लिए
बहुत अच्छा शब्द बोला जाए तो अंतरराष्ट्रीय विशाल पूंजीपति तानाशाही लोग, तो वो भी संगठित होकर के लूट रहे हैं। वो मैं आपके विषय सामने पूरा विषय रखूंगा। तो जब लूटने वाले संगठित हैं तो बचाने वाले क्यों ना संगठित हो? तो पहले संगठन का निर्माण, फिर प्रशिक्षण का काम, उसको तैयार करना। प्रशिक्षण किस बात का? संगठन के दो काम मुख्य रूप से होते हैं, एक सेवा और दूसरा आंदोलन। रचनात्मक जो सेवाएं हैं उसके दो स्वरूप हैं, एक योग वाला काम और दूसरा आयुर्वेद वाला काम, जड़ी बूटियों का विस्तार, उसके बारे में लोगों को बताना। तो योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का जो अपना रचनात्मक सेवा कार्य है, सृजनात्मक काम है, ये लोगों की भलाई का काम, इसके लिए लोगों को तैयार करना। तो जड़ी बूटियों के बारे में भी लोगों को बताना पड़ता है कि गिलोय के क्या लाभ हैं, तुलसी के क्या फायदे हैं, एलोवेरा के क्या फायदे हैं, घर में क्यों लगाना इनको, इसका कैसे उपयोग करना, रोग मुक्त कैसे रहना, नशा मुक्त कैसे जीवन जीना, उसके क्या लाभ हैं और किस तरह से अपने जीवन को अच्छा बनाना। स्वदेशी के बारे में लोगों को बताना कि किस तरह से देश लूट रहा है, विदेशी कंपनियां लूट रही हैं, उससे कैसे हम अपने देश को बचाएं, कैसे अपने देश की फिर आर्थिक ताकत को हम बढ़ा सकते हैं। तो ये योग, आयुर्वेद और स्वदेशी का जो अपना रचनात्मक कार्य, उसके बारे में प्रशिक्षण देना, फिर आंदोलन के बारे में लोगों को प्रशिक्षण देना। क्योंकि आंदोलन को सफल बनाने के लिए जब तक हम प्रशिक्षण नहीं देंगे तो आंदोलन पूरा नहीं होगा। इसी को जो है बाद में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कैडर बोलने लग गए कि हमने कैडर तैयार किया है आंदोलन के लिए। उनको क्या बात सिखाई जाती है? हमारा आंदोलन क्योंकि लोकतांत्रिक और अहिंसक है, हम देश में कोई अराजकता, अशांति, हिंसा नहीं फैलाना चाहते। आंदोलन के दो तरीके, एक हिंसात्मक क्रांतियां होती है, हिंसक आंदोलन जो नक्सलवाद, माओवाद, लेनिनवाद, मार्क्सवाद के नाम से चले। आज भी पूरी दुनिया में बहुत सी जगह हिंसक आंदोलन चल रहे हैं, हम हिंसक आंदोलनों के समर्थक नहीं है। हम परिवर्तन चाहते हैं, हम व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, हम कुछ ताकतवर लोगों ने पूरी दुनिया को जो लूट लिया है, हम सामान्य लोगों को, आम लोगों को आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाना चाहते हैं, लेकिन किसके रास्ते पर चल करके? अहिंसा के रास्ते। तो सबसे पहले कार्य जो आंदोलन के लिए कार्यकर्ता हम दिल्ली लेकर के आएंगे उनको भी, और जो आगे पूरा कैडर तैयार होगा उनको भी, साधारण कार्यकर्ताओं से लेकर के नेतृत्व करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को ये तैयार करना कि अहिंसात्मक आंदोलन को कैसे रखना। फिर जरूरत पड़ने पर जेल भरो आंदोलन कैसे चलाना। सरकार दमन चक्र चलती है आंदोलनों को तितर बितर करने के लिए, आंदोलनों को नष्ट करने के लिए, आंदोलनों का दमन करती है, षड्यंत्र करती है, कई तरह के अपनी सत्ता का, शक्ति का दुरुपयोग करती, तो उससे कैसे बचना, कैसे उनके चक्रव्यूह से बाहर निकलना, कैसे उनके षड्यंत्रों से बाहर निकलना और अपने आंदोलन को उसी और ज्यादा ताकतवर धार के साथ आगे बढ़ाना। तो ये एक प्रक्रिया होती है प्रशिक्षण की, उसमें सामान्य रूप से और भी बहुत सी चीजें मायने रखती है जिसके बारे में हम आगे प्रकाश डालेंगे कि आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को एक तो लोकतंत्र का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उनको कानून का सामान्य ज्ञान होना चाहिए, उनको पूरी अर्थव्यवस्था का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उनको पूरी दुनिया कैसे चल रही है, वैश्विक व्यवस्था, यूनिवर्सल सिस्टम, ये कैसे पूरी दुनिया चल रही है और परिवर्तन के रास्ते क्या है। तो परिवर्तन के रास्ते दो हैं, एक तो चुनाव और दूसरा आंदोलन। आंदोलन भी दो तरह के, एक हिंसात्मक आंदोलन, एक अहिंसात्मक आंदोलन। तो उनमें फर्क क्या होता है और कैसे अहिंसा के बल पर हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं? आंदोलन में तीसरा जो बड़ा काम है जो आपको भी सबको करना है, वो प्रशिक्षण का काम, तो वो बहुत जरूरी है। चौथा काम है, इतने बड़े आंदोलन के लिए जब तक हम सहयोग नहीं लेंगे लोगों से, लोगों के सहयोग से लोगों के लिए हमको काम करना है, देशवासियों के सहयोग से देश के लोगों के लिए हमें सेवा करनी है। हमें अपना आंदोलन पूंजीपतियों से नहीं चलाना, हमें अपना आंदोलन सरकारों की दया से नहीं चलाना। सरकारें कैसे अपने खिलाफ कोई आंदोलन को खड़ा होने देंगी? तो हमें अपने आंदोलन के लिए सरकारों से मदद नहीं लेनी, हमें अपने आंदोलन के लिए ताकतवर
जो मेगा कैपिटलिस्ट, जो क्रूर पूंजीपति हैं, उनसे अपने आंदोलन के लिए मदद नहीं लेना। हमें आम लोगों के, मध्यम वर्ग के लोगों से, सामान्य लोगों के सहयोग से, आम लोगों के सहयोग से आम लोगों की लड़ाई को लड़ना है। महात्मा गांधी जी ने इस प्रयोग को किया, लोगों से एक चवन्नी लिया करते थे चंदे के रूप, लेकिन उस समय की चवन्नी की आज करीब 100 रुपए कीमत। हम लोगों से 11-11 रुपए ले कि भाई 11 रुपए तो आप जो है किसी भी चीज के लिए खर्च कर देते हो, मंदिर में भी दान कर देते हो। अब देश को हम 400 लाख करोड़ रुपए दिलाने, इस भ्रष्टाचार को मिटाने, सबको आर्थिक सामाजिक न्याय दिलाने है, तो इसमें 11-11 रुपए तो मदद करो। जो समर्थ है वो कार्यकर्ता सदस्य के रूप में 51 रुपए की मदद करेगा, और जो समर्थ है वो बड़ी भी मदद करेगा, कोई 1100 रुपए भी देगा, कोई 11,000 भी देगा। तो हमें साधारण लोगों से मदद लेनी है, आम लोगों से मदद लेनी है, देशभक्त लोगों से मदद लेनी है, ईमानदार लोगों से मदद लेनी है, जिनके भीतर देश के लिए तड़प है, जुनून है, जोश है, आक्रोश है, जो इस देश के लिए कुछ अपना बड़ा योगदान देना चाहते हैं। पूरा समय, पूरा जीवन तो बहुत कम लोग अर्पित कर पाएंगे, लेकिन अपना 10% समय, अपनी 10% दान, बहुत लोग इस काम में मदद करेंगे। जब लोग ढोंगी और पाखंडियों को कोई दशांश दे सकता है, कोई दशवंत पूजा के नाम पर लाखों करोड़ रुपए, कितना करोड़ रुपए दिया है लोगों, अरे हम देश के लिए लोगों से क्यों नहीं लेंगे। हम जब घर से चले थे तो हमारे पास में 500 रुपए भी नहीं थे। हमने अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी पढ़ाई में शायद 500-700 रुपए, 1000 रुपए खर्च किए होंगे। 5वीं क्लास तक तो मुफ्त पढ़े गवर्नमेंट स्कूल में, 6ठी क्लास में 2 रुपए एडमिशन की थी, साल के 2 रुपए, वहां से हमने अपनी जिंदगी शुरू की। योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का 200 से ज्यादा देशों में प्रचार किया, उसको स्थापित किया इतनी मजबूती के साथ कि आज योग, आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति का 200 से ज्यादा देशों में पतंजलि योगपीठ की ओर से झंडा गड़ा। पूरी दुनिया आज भारतीय संस्कृति के सामने नतमस्तक। तो ये काम के लिए हमने लोगों से सहयोग लिया, तो जब मैं करोड़ों लोगों से सहयोग ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं ले सकती। आप भी लोगों के पास जाना, सहयोग लेना। तो अब 9 अगस्त के आंदोलन के लिए आपको सबको 4 काम करने हैं। आंदोलन समितियों का गठन करना, ग्राम सभाओं की सहमति के हस्ताक्षर लेना पहला काम, दूसरा काम 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक निर्णायक आंदोलन के लिए लोगों को तैयार करना और उनका दिल्ली के लिए रिजर्वेशन कराना, तीसरा काम लोगों को प्रशिक्षित करना कि आंदोलन कैसे करना, आंदोलन में जो जो क्रुशियल टाइम होता है उस समय क्या क्या सबको, मैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा और भी प्रकाश डालूंगा, और चौथा काम लोगों से इस काम के लिए सहयोग लेना, लोगों से दान लेना, लोगों के सहयोग से लोगों के लिए काम करना है। हम कोई जो फॉरेन फंड ला करके आंदोलन नहीं चला रहे, इसके ऊपर फिर तरह तरह के प्रश्न उठते हैं लोग। तो हमें जो फंडिंग है अपनी, फंडिंग हमारी कैसी, स्वदेशी फंडिंग, विदेशी फंडिंग पर काम नहीं करना अपने, फॉरेन फंडिंग के ऊपर काम नहीं करना अपने को। तमाम तरह के विदेशी फाउंडेशंस हैं, ऐसे जो हैं वो हिंदुस्तान, ऐसे बड़े बड़े एनजीओ हैं, इस तरह के वो पूरा एक षड्यंत्रकारी जो है इरादों के साथ वो काम करते हैं, अपने को उनसे मदद नहीं लेनी। तो मैंने आपसे बोला कि 4 काम सब कार्यकर्ताओं को करने, बस ये टारगेट। और जब मैं अब दोबारा आऊंगा ना उड़ीसा, तो मैं पूछूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने कितने गांव में जाकर के ग्राम समितियों का निर्माण किया, कितनी ग्राम सभाओं से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, कितने लोगों को दिल्ली आंदोलन के लिए तैयार किया, कितने लोगों ने प्रशिक्षण शिविर लगाए, योग विज्ञान शिविरों के साथ साथ निःशुल्क योग विज्ञान एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, तो ये शिविर लगाने, तीसरा और चौथा काम लोगों से सहयोग लेना। तो ये 4 पैरामीटर होंगे कि आपके कार्य करने की क्षमता कितनी, कि मानदंड होगा कि किस कार्यकर्ता में कितनी क्षमता है, उसकी परीक्षा भी होगी, उसकी कसौटी होंगी। ये 4 काम भारत को आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाना है, आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध बनाना है। ये जो आंदोलन है ये विशुद्ध रूप से सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक परिवर्तन का आंदोलन होगा बड़े रूप में, लेकिन यहां जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का काम है योग के माध्यम से, वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, एक दिन के लिए भी। इसलिए आंदोलन के समय भी अपने योग की कक्षाएं, ये शिविर, ये हमारे बंद नहीं होंगे।
जो अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र ये जी में अर्पित करना चाहते हैं। देखो जिंदगी के हमारे कुछ ना कुछ मकसद होते हैं, कुछ छोटे मकसद के लिए जिंदगी को जीते हैं, कुछ लोग बड़े मकसद के लिए जिंदगी को जीते हैं। हमें इस धरती पर भगवान ने विशेष कार्य के लिए पैदा किया। हम उस भागवत सत्ता के प्रतिनिधि, हम ईश्वर पुत्र, हम ऋषि पुत्र, हम वीर वीरांगनाओं के, ऋषि ऋषिकाओं के, हम महापुरुषों की संतान है, ईश्वर की संतान, भारत माता की हम संतानों का बहुत बड़ा मकसद होना चाहिए जिंदगी का। देखो कुछ लोग बीमार होकर मर जाते, कोई हार्ट अटैक से, कोई कैंसर से। हर साल भारत में करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग बीमार होकर के मरते हो, 1 लाख से ज्यादा लोग एक्सीडेंट से मरते हैं, हजारों लोग सांप आदि काटने से मरते हैं। मरना तो सांप काटने से भी, मरना तो सड़क दुर्घटना में भी, और मरना तो मौत से भी, और मरना तो ऐसे भी है, एक दिन नेचुरल डेथ भी होगी। लेकिन हम क्या करके जा रहे हैं, कुछ चंद दिनों की जिंदगी। अब हमसे पहले न जाने कितने पैदा हुए और हमारे बाद में कितने पैदा होंगे, लेकिन दुनिया के इतिहास में उनके नाम अमर होते हैं जो कुछ करके जाते हैं दुनिया के। तो हमें क्या करना, ये हमको तय करना कि मुझे बस ऐसे ही चले जाना है या कुछ खास करके जाना है। एक एक व्यक्ति में संपूर्ण ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति है, क्षमता है। वो व्यक्ति अपनी शक्ति को पहचाने, अपनी भूमिका को पहचाने, तो पूरी दुनिया के लिए कुछ खास करके जा सकता है। जैसे हमारे बड़े करके गए भगवान राम, भगवान कृष्ण, जैसे हमारे क्रांतिकारी महापुरुष करके गए, जैसे स्वामी विवेकानंद महर्षि दयानंद करके गए, जैसे चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, अल्लूरी सीताराम राजू करके गए, जैसे बिरसा मुंडा कुछ करके गए दुनिया। हम वीर वीरांगनाओं को, ऋषि ऋषिकाओं को याद करते हैं, तो उन जैसी शक्ति तो अपने भीतर है, लेकिन अज्ञान के कारण से, स्वार्थ के कारण से, आलस्य के कारण से, अच्छी संगति न होने के कारण से हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। जिन्होंने सोच लिया है कि मुझे तो इस धरती पर भगवान का, सत्य का, न्याय का साम्राज्य स्थापित करना है, परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवाम योगी हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा भोक्ष्यसि। भाई अब तो एक ही निश्चय होना चाहिए कि मुझे बस इसी काम के लिए जीना और इसी काम के लिए मरना। जिन्होंने ऐसा निश्चय बना लिया है तो कुछ के ऊपर तो सांसारिक पारिवारिक जिम्मेदारियां, वो निभाते भी इस काम को करें, परिवार धर्म को निभाएं और साथ में राष्ट्र धर्म को भी निभाएं। और जो कुछ जवान हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी उम्र अभी 50-60 साल के आसपास है लेकिन वो पूरा जीवन अर्पित करना चाहते, वो भी। अब जिनका जीवन ही शेष नहीं रहा हो तो अर्पित क्या करें। यदि पूरा जीवन और पूरी जवानी इस काम के लिए अर्पित हो जाए तो इससे बड़ा जिंदगी का कोई मकसद नहीं हो सकता। और मैं इसको जीता हूं और मेरे भीतर यही पुकार उठती है। तो आप भी अपने अंतरात्मा से पूछ के देखो कि इस राष्ट्र कार्य में, इस भागवत कार्य में मुझे क्या करना चाहिए। तो आपके भीतर से भी पुकार आएगी, मुझे भी करना चाहिए। अपने आत्मा में जो निरंतर परमात्मा की प्रेरणा आवाज पुकार उठती रहती है उसको सुनो, और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे चाहे सारी दुनिया की मुसीबत आए उस काम को जरूर करना, जिस काम को करने में आत्मा साथ, और जिस काम को करने से सारी दुनिया की दौलत मिलती हो, सारे दुनिया का साम्राज्य मिलता हो और आत्मा साथ ना देती हो तो उस तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ाना। बस यही ईश्वर की प्रेरणा, यही धर्म का मर्म, यही अध्यात्म। जो आपसे बात कर रहा था कि गुरु पूर्णिमा उत्सव पर एक खास प्रोग्राम हमने ये भी रखा है, जवान युवक युवतियाँ अपना पूरा जीवन जो अर्पित करना चाहें तो वो हमारी इस सेवा व्रतियों की हमने एक बहुत बड़ी संकल्पना तय की, तो वो इस सेवा व्रतियों वाली श्रेणी में सम्मिलित हो जाए। ये गुरु पूर्णिमा को विशेष दीक्षा दे रहे, फिर राष्ट्र के लिए जरूरी है। देखो कितना महान था अपना देश, 18वीं शताब्दी तक ही भारत आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व किया करता था, गुलामी के बावजूद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में, उसको वर्ल्ड इकोनॉमी बोलते हैं, उसको वर्ल्ड जीडीपी बोलते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी में, वर्ल्ड जीडीपी में हमारी 25% भागीदारी, विश्व की आमदनी में हमारी करीब 25-30% भागीदारी,
और आज वर्ल्ड इकोनॉमी का वर्ल्ड जीडीपी का हमारा है 1.5 और निर्यात की दृष्टि से देखें तो पहले जो करीब हमारा निर्यात 25-30% हुआ करता था विश्व की वो आज हो गया 0.5 और अब तो औद्योगिक उत्पादन इतना ज्यादा घट गया ये और घट जाएगा। आज हमारी स्थिति कहाँ हो गई? ये अभी तक ये लूट ना होती तो आज अमेरिका और चीन से ज्यादा पावरफुल होता भारत। आज करीब कई क्षेत्रों में 10 गुना चीन हमसे ज्यादा पावरफुल है और अमेरिका भी कई अलग अलग क्षेत्रों में हमसे कहीं 5 गुना कहीं 10 गुना ज्यादा पावरफुल। आज हम कहाँ खड़े? तो आज भारत की जीडीपी घट रही है, ग्रोथ रेट घट रही है, डेफिसिट बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। और ये तो मैंने आर्थिक और भौतिक दृष्टि से मूल्यांकन किया। नैतिक पतन को देखो, चारित्रिक पतन को देखो तो भारत का चारों तरफ से ये जो बहुत बड़ा जो कुचक्कर चल रहा है इस पूरे षड्यंत्र में इस देश को बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। अब इस काम को करने के लिए जिसमें जितना सामर्थ्य है वो अपना अपना योगदान दे, वो अपनी अपनी भूमिका निभाए। इस देश के करोड़ों लोगों की मुझसे बहुत अपेक्षा है। वो मेरे मुंह की तरफ देखो, पतंजलि योगपीठ एक विश्वास केंद्र बना लो, भारत स्वाभिमान को लेकर के बहुत उम्मीदें, पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, किसान पंचायत का जो अपना ये जो सांगठनिक जो विस्तार हुआ तो देश के लोगों में उम्मीद जगी, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों के विश्वास जगे। सभी आंदोलन कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को 5-7 चीजों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसमें एक सबसे पहला अर्थव्यवस्था, क्योंकि अपना सारा आंदोलन अर्थव्यवस्था पर केंद्रित है। काला धन कैसे मिटे, भ्रष्टाचार जो है कैसे खत्म हो, काला धन कैसे देश को मिले, देश के अंदर का, देश के बाहर का, कैसे चल रहा है ये पूरा काले धन का धंधा, तो अर्थव्यवस्था के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। राजनीति और लोकतंत्र के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए, पूरा नहीं तो बेसिक ज्ञान होना चाहिए। कानून के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, पूरा विश्व, पूरी दुनिया कैसे चल रही है इसके बारे में पता होना चाहिए। परिवर्तन कैसे किए जाते हैं उसके लिए आंदोलनों की क्या भूमिका होती है, चुनाव की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वैश्विक षड्यंत्र क्या चल रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए और फिर इसमें हमारी भूमिका क्या होगी। और हमें एक एक व्यक्ति से कभी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आता तो संगठन की का उसमें क्या योगदान होता है और संगठन की तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं क्या होती हैं, ये 7 चीजों के बारे में सबको नॉलेज होना चाहिए। इन 7 बातों की समझ होगी तो आंदोलन 100% सफल होगा। अब पहली बात अर्थव्यवस्था, बहुत लोगों को तो ये नहीं पता है दुनिया कैसे चल रही है। दुनिया में मैंने कहा 2 तरह के षड्यंत्रकारी लोग हैं, क्रूर लोग हैं, 2 तरह की शैतानी शक्तियां जो पूरी दुनिया को चला रही है। एक का नाम मैंने बोला बैंक और बैंकर्स और दूसरे का नाम बोला मेगा कैपिटलिस्ट, अंतरराष्ट्रीय विशाल पूंजीपति तानाशाही क्रूर ताकत, ये पूरी दुनिया को चलाती है। किसी भी देश की आर्थिक नीतियां क्या होंगी, वहां की राजनीति किस दिशा में काम करेगी, उस देश का सिस्टम कैसा होगा, ये लोग तय करते हैं। और उसके लिए फिर पूरे आर्थिक षड्यंत्र रचते हैं, जल, जंगल, जमीन, भू संपदाओं के ऊपर कैसे कब्जा किया जाए इसके लिए पूरी योजना बनाते हैं। उस देश के अंदर सोशल वाइस के रूप में किसे उठाना है, किसको विदेशी पुरस्कार, विदेशी पैसा देकर के समाज के अंदर अपने उनके हित में बोलने के लिए खड़ा करना है, ये इसको सामाजिक षड्यंत्र कहते हैं। नैतिक षड्यंत्र, कैसे देश के लोगों का चरित्र नष्ट करना है, उनके भीतर के धर्म परायणता, आध्यात्मिकता को नष्ट करना है, तो ये पूरा एक षड्यंत्र होता है कि सारी ताकत कुछ लोगों की मुट्ठियों में आ जाए, देश, धर्म, संस्कृति, मानवता, नैतिकता, सारी चीजें नष्ट हो जाए। तो ये एक पूरी बहुत बड़ी सोची साझी रणनीति होती है। तो मैं आपसे बात कर रहा था, सभी कार्यकर्ताओं को ये अर्थव्यवस्था की सामान्य समझ होनी चाहिए। अब मैं इसको बताता हूं, अर्थव्यवस्था तो अर्थ कहां से शुरू हुआ, ये पैसे का लेन देन कहां से शुरू हुआ, तो सब लोग मेहनत करते थे, कोई खेत में मेहनत कर रहा है, कोई उद्योग में मेहनत कर रहा है, कोई सेवा दे रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बनाया गया, पैसा, उसको बोलते हैं करेंसी। अब पैसा इसमें भी बहुत घोटाले, इसमें भी बड़े षड्यंत्र हैं। अब पैसा किस देश की, पैसे की क्या कीमत होगी, उसको इकोनॉमी का वैल्यू, उसका करेंसी का वैल्यू, उसका करेंसी का वैल्यू क्या होगा, इसको तय करने के लिए जिसको IMF बोलते हैं,
और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए एक संस्था बना दी जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और उस वर्ल्ड बैंक को भी जो कंट्रोल करने वाले कुछ पूंजीपति लोग होते हैं। मैंने कहा बैंक और बैंकर्स, ये सारे काला धन भी तो उन्हीं बैंकों में जाता। तो ये बैंक और बैंकर्स और ये जो है मेगा कैपिटलिस्ट, ये विशाल पूंजीपति लोग, ये बड़ा कुचक्र चलते। लेकिन एक तो श्रम, फिर श्रम का मूल्य देखो, एक किसान करता है मेहनत, एक मजदूर कारीगर मेहनत करता है, एक उद्योग वाला मेहनत करता है, फिर एक डॉक्टर इंजीनियर मेहनत करता है। इसमें इतना फासला है एक दूसरे के मेहनताने का, जिसके बारे में आप सोचते हैं तो आपको भी बड़ा दुख होता होगा कि एक मजदूर तो सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता, उसको मिलते 100-200 रुपए, और एक आदमी एयर कंडीशन में बैठ करके और खाली कुछ सलाह देता है, कानूनन सलाह देता है, उसको मिलते हैं 1-2 लाख रुपए। तो वकील का मेहनताना, डॉक्टर का, इंजीनियर का मेहनताना, और एक मजदूर किसान कारीगर का मेहनताना, फिर एक उद्योगपति का मेहनताना, सबके मेहनतानों में इतना अंतर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया ताकतवर लोगों से चल रही है, और वो ताकतवर लोग कभी भी नहीं चाहते कि साधारण लोगों के पास में पैसा हो। अब ये पूंजीवाद का मतलब कोई हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सोच है कैसी, लोभ की, लालच की, तृष्णा की, इसी को पूंजीवादी सोच कहते हैं। ये जब तक रहेगी तब तक ये श्रम का मूल्यांकन ठीक से नहीं हो रहा है। तो हमको किसानों को, मजदूरों को, कारीगरों को न्याय दिलाना, उनके श्रम का पूरा मूल्य देना है। तो ये श्रम और श्रम का मूल्य, फिर इसी से जुड़ा हुआ है पैसा, फिर ये सब पैसा इकट्ठा होकर के कहां जाता है? सब लोग मेहनत करके क्या करते हैं? बचत करते हैं, और बचत करके पैसा कहां डाल देते हैं? बैंक में। सब फिर कहां चला जाता है? बैंक, उसे सारा पैसा फिर पूंजीपतियों के पास। कोई थोड़ा बहुत पैसा बचता है तो क्या ले लेते हैं? शेयर। और शेयर मार्केट से पैसा कहां चला गया? पूंजीपतियों के पास। तो सारा पैसा अमीरों के पास ही चला जाता है। गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, इसको हमें पाटना भी है और इसको समझना भी है। तो ये अर्थव्यवस्था का ही अंग है। ये मनी इन सर्कुलेशन क्या होता है, ये ब्लॉक मनी क्या होता है, ये ब्लैक मनी क्या होता है, ये ग्रे मनी क्या होता है, ये व्हाइट मनी क्या होता है, ये एक GDP भी दो तरह की, एक नेगेटिव GDP क्या है, गलत जगह पैसा लगना, जैसे शराब में, नशे में, दारू में, वहां पर भी पैसा लगता है तो उससे भी पैसा बढ़ता है। एक पॉजिटिव GDP क्या है, नेगेटिव GDP क्या है, ये GDP की समझ होनी चाहिए। फिर ये ग्रोथ रेट क्या होती है कि हर साल जो पैसा लगा हुआ है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, सर्विसेज में, फिर हर साल उससे जो आमदनी होती है उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट। फिर उसमें से जो बचत होती है उसको बोलते हैं सेविंग। फिर जो है ये सारी चीजें सब ठीक ठीक दिशा में बढ़ती रहें, बैलेंस, बैलेंस डेवलपमेंट, संतुलित विकास, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, तो फिर क्या होगा? न महंगाई बढ़ेगी, सबको पूंजी लगभग लगभग बराबर रहेगी, फासला 1:10 का होगा। आज हमारे फासला 1 करोड़ का है, विदेशों में फासला 1 और 100 का। आइडियल जो समाजवाद की जो अवधारणा थी जिसको लेकर के JPG लोहिया जी आदि लड़ते थे यहां पर, वो होते थे 1 और 10 का अंतर होना चाहिए, 1 और 100 का मान लो। लेकिन यहां तो 1 के पास तो लाखों करोड़, 1 के पास तो अगले वक्त की रोटी खाने के लिए प्रबंध नहीं है। तो ये सब चीजों को समझना कि मुद्रा क्या होती है और किस तरह से उसका मूल्यांकन होता है, कैसे बौद्धिक संपदाओं का, भू संपदाओं का दोहन होता है, पूंजी का नियंत्रण, पूंजी का निवेश कौन करता है, कैसे वर्ल्ड बैंक काम करता है, कैसे IMF काम करता है, कैसे WTO काम करता है, पूरी दुनिया के गरीब देशों को कैसे लूटा जाता है, और जो वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO की शर्तों को नहीं मानते उनके ऊपर कैसे फिर UNO जो है युद्ध थोप देता है। ये बड़ा विचित्र मामला है। ये सब नॉलेज होना चाहिए संगठन चलाने वाले लोगों को, नहीं तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे हम आंदोलन क्या कर रहे हैं और कैसे आंदोलन कुचल दिया जाता है, रोन दिया जाता है। और इसमें भी आंदोलनों को तोड़ने के लिए बीच में गलत लोग घुसते हैं, तो कुछ लोगों का यही काम है कि आंदोलन करने वाले लोगों के भीतर वायरस डाल दो अविश्वास का, और उनको बोल दे इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तुम्हारा आंदोलन, तुम्हारे आंदोलन के चलाने वाला नेतृत्व वो सब करप्ट है, वो घटिया है, और वो सब ये उल्टे सीधे बहुत सी बातें। तो आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। फिर सब लोग बोलते हैं आप लोग कैसे कर लोगे, सरकार तो, देश तो सरकार चलाती है, ये तो डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, लोक माने जनता, तंत्र माने व्यवस्था, सिस्टम। लोकतंत्र का मतलब हो गया
जो हिंदुस्तान की जनता चाहेगी वैसी ही नीतियां, वैसे ही कानून और वैसी ही व्यवस्था हिंदुस्तान में होगी। ये डेमोक्रेसी है। तो लोकतंत्र की समझ होनी चाहिए आंदोलन चलाने वाले व्यक्तियों को, कानून की समझ होनी चाहिए। वो कहते कानून तो संसद में बैठे लोग बनाएंगे। अरे कानून संसद में लोग बैठे लोग बनाएंगे, सही है, लेकिन वो कानून वो बनाएंगे जो देश की जनता चाहती, ये बात है। तो ये समझ कानून की। और फिर जब आंदोलन भी करते हैं तो उसमें कुछ धाराएं धोराएं लगाते हैं, कभी अरेस्ट करते हैं, कभी एक दो दिन के लिए जेल में डालते हैं। क्या हो गया, ठीक है डाल लिया। 9 अगस्त से 10 20 दिन एक महीना तुम डट गए आंदोलन के लिए तो 400 लाख करोड़ रुपए वापस आने का रास्ता, आगे से हिंदुस्तान लुटना बंद हो जाएगा, मजबूत लोकपाल मिल जाएगा। और ये जो अंग्रेजी तंत्र चल रहा है, ब्रिटिश रूल चल रहा है, इसके स्थान पर स्वदेशी तंत्र स्थापित होने का एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो ये लोगों को बताना, समझाना कि कैसे लोकतंत्र क्या है, उसमें लोगों की भागीदारी क्या होती है, कानून क्या होते हैं, बिल कैसे पास होते हैं संसद में, और नीतियां कैसे बनती हैं, पॉलिसी बनाने का काम करते हैं गवर्नमेंट। तो पॉलिसी वही बनाना होगा जो जनता चाहती है। जनता के विपरीत पॉलिसी बना दिया उसी समय उखाड़ फेंको, क्योंकि अब हम सब लोग राजनीति तो नहीं कर सकते, सब लोग एमएलए एमपी तो नहीं बन सकते, तो क्या फिर देश सर, जो लोग बोलते हैं ना चुनाव लड़ लो, तो चुनाव क्या 121, मैं यही बोल रहा था, पता होना चाहिए आपको परिवर्तन के दो रास्ते क्या। एक तो चुनाव, तो भाई चुनाव 121 करोड़ लोग नहीं लड़ सकते, लेकिन 121 करोड़ लोग आंदोलन के साथ खड़े होकर के देश को बदल सकते। ये है आंदोलन का स्वरूप, आंदोलन की ताकत, आंदोलन की शक्ति, यह है आंदोलन का स्वरूप, यह आंदोलन की आवश्यकता। अपने को ऐसे आगे बढ़ना। तो मैं बात आपसे कर रहा था कि आपको सब पूरा दुनिया का पता होना चाहिए, दुनिया कैसे चल रही है, ये आंदोलन की क्या जरूरत है इसको पता होना चाहिए, क्यों जरूरत है इसका पता होना चाहिए, और अपनी ताकत का हमको पता होना चाहिए। जैसे भारत में विश्व की महाशक्ति होने का सामर्थ्य है, ऐसे ही एक एक मानव में महामानव होने का सामर्थ्य है। हम एक एक जग गए तो पूरा हिंदुस्तान जग जाएगा और हिंदुस्तान बच जाएगा। सबको बताओ कि भाई आओ मिलकर के लड़ो। तो ये इतनी बड़ी लड़ाई है, इसको जानने के लिए मैं आपको सामान्य संकेत कर रहा हूं। एक पुस्तक है, कभी मौका मिले तो इसमें कुछ संकेत है। वैसे मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी तो वक्त नहीं है, लेकिन 9 अगस्त के बाद यदि जिंदा रहा तो एक पुस्तक लिखूंगा। फिर एक तरफ पूरी दुनिया के करीब 700 करोड़ लोग और एक तरफ पूरी दुनिया के 700 लोग, इतने ताकतवर हैं 700 लोग, यही 700 लोग पूरी दुनिया चला रहे हैं। एक तरफ भारत के 125 लोग और एक तरफ भारत के 125 करोड़, एक तरफ 125 करोड़ लोग और एक तरफ खाली 125 लोग, वो इतने पावरफुल हो गए हैं, उन्होंने पूरा देश ले लिया। तो देश लूट रहा, देश बिक गया, अब इसको बचाना ही हमारी जिम्मेदारी। देखो एक है प्राकृतिक न्याय, देश की सारी भू संपदाओं पर हम सबको भगवान ने बराबर रख दिया। फिर यहां पर राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था ऐसी बन गई कि कुछ लोग बहुत गरीब हैं, साधनहीन हैं, भूमिहीन हैं, वो दलित भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी, ईसाई भी, सब जाति, सब वर्ग, मजहबों के लोग, और एक तरफ बहुत अमीर लोग हैं। ये क्यों हो गए? क्योंकि यही ताकतवर लोगों ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। तो मेरे भीतर की पुकार मुझे चुप नहीं बैठने देती, मेरे भीतर की आवाज, मेरे भीतर आत्मा में उठ रही उस परमात्मा की प्रेरणा मुझे मौन नहीं रहने देती। वो कहती बेटा तू देख अपनी आंखों से और इस पाप को खत्म कर, यही आपके भीतर से आवाज और पुकार आई। और इसी चीज को सुनना, इसी चीज को समझना और इसी चीज को करना है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ छोटी छोटी बातें रखी, इनके पीछे के बहुत गहरे तथ्य हैं। बस जिस दिन हम इस चीज को समझ गए ना, उस दिन धरती पर स्वर्ग आ जाए। मुझे एक आदमी ने बोला बाबा जी आपको क्यों कष्ट होता है? मैंने कहा कष्ट इसलिए पता होता, मुझे समझ हो गई थोड़ी। मैंने उसको एकदम स्थानीय भाषा में मैंने बोला
उधर नॉर्थ इंडिया में बोला जाता है भाई मुझे बेरा पाट गया, पता लग गया मुझे बेरा पाट गया और मैंने रूखा पाट दिया, मैंने फिर शोर मचा दिया, मुझे पता लग गया, मुझे समझ आ गई कि देश लूट गया और वो लूटने की मैंने सूचना देश के लोगों को दे दी। अरे भाई देखो ये देश लूट गया, जैसे मैंने अब आपको बताया ना, जल जंगल जमीन भू संपदा पूरा हिंदुस्तान लूट गया, अब बचा लो। आप देखो कैसे हिंदुस्तान लूट रहा है। तो ये ताकतवर और कमजोर की लड़ाई है। तो जो आम लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, उनको न्याय दिलाना है और इस काम के लिए आपको एक बड़ी भूमिका निभानी है। बाकी तो अपना काम चल ही रहा है, घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, धंधा चल रहा है, नौकरी चल रही है, ये ठीक है। लेकिन भाई इस परिवार धर्म, इस व्यापार धर्म के साथ हमको अपना राष्ट्र धर्म भी निभाना है। परिवार धर्म तो निभा ही रहे हैं सब, अपना व्यापार धर्म तो निभा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ इस राष्ट्र धर्म को निभाना है। और जो अब कुछ ऐसे भाई बहन है जो पूरा जीवन मैंने कहा इसके लिए अर्पित करना चाहें, हम दो चार लोगों की खुशियों के लिए जिंदगी दे देते हैं, तो जो पूरे देश के करोड़ों लोगों की खुशी के लिए जो जिंदगी अर्पित करना चाहते हैं उनके लिए ये गुरु का द्वार खुला हुआ है, उनके लिए भगवान का द्वार खुला हुआ है, उसके लिए ये भारत माता पुकार रही है। अब ये एक बहुत बड़ा कार्य है और इस बड़े कार्य में आपको बड़ी भूमिका निभानी है। आचार्य चाणक्य कहते को हम का चमे शक्ति इति चिंतित महू, मैं कौन हूँ और मेरी शक्ति क्या है, मेरी भूमिका क्या है, क्यों मैं धरती पर आया। तो एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अपनी संपूर्ण शक्तियों से युक्त करके भेजा, आंखों में उसी का नूर है, मस्तिष्क में उसी का ज्ञान है, हाथों में उसी की शक्ति है, दिल में उसी का प्यार, उसी की मोहब्बत है। हम तो निमित्त मात्र हैं, हम भूल गए किस मस्तिष्क में सोचने की, आंखों में देखने की, वाणी में बोलने की, हाथों में काम करने की शक्ति कौन दे रहा है, इस हृदय में धड़कन कौन दे रहा है, इस जीवन में, इस देह में प्राण कौन दे रहा है, वही तो परमेश्वर है। और हम उस भगवान के हैं और उसके लिए जीना है बस, और इस भगवान के ही साम्राज्य को दुनिया में कायम करना है। ये शैतान का साम्राज्य है, ये पाप का साम्राज्य चल रहा है, ये लोभ का साम्राज्य चल रहा है, ये घृणा का साम्राज्य चल रहा है, ये तृष्णा का साम्राज्य चल रहा है। तृष्णा, इस घृणा, इस लोभ, इस पाप, इस अनाचार, इस अन्याय के स्थान पर सत्य धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए इस धरती पर भगवान ने मुझे भेजा है। इस संकल्प के साथ आपको 24 घंटे जीना है और जो ऐसा जिएंगे वो अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए अर्पित कर पाएंगे और ये बड़ा परिवर्तन भी देश में ला पाएंगे। मैं अपना काम लगभग 18 से 20 घंटा रोज करता और अपने सभी कार्यकर्ता भाई बहनों से, अपने सभी देशभक्त भाई बहनों से, सभी ईश्वर भक्त, सभी ऋषि पुत्र, आर्य पुत्र, भारत माता की आप संतानों से यही अपेक्षा करता हूं कि आप भी प्रामाणिकता के साथ अपनी भूमिका इस राष्ट्रीय यज्ञ में निभाएंगे।